नमस्कार, पुरवैया क्राइम स्पेशल लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत कुमार। एक शख्स लापता हो जाता है, उसके घर पर ताला लटका पाया जाता है और उसका कहीं कोई पता नहीं चल पाता। घर वाले परेशान, पुलिस परेशान, लेकिन मामला जितना दिखाई देता है केवल उतना भर ही नहीं होता। पूरी तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे और एक विभाग ऐसा है जहां दफ्तर में ताला लटका हुआ पाया जाता है लेकिन यहां कोई लापता नहीं होता। डर के साय से बचने के लिए दफ्तर छोड़ देना ही गवारा समझा जाता है और फिर अधिकारी दफ्तर छोड़ देता है। बताएंगे आपको पूरा मामला और आपको दिखाएंगे गुनाह एक नजर में भी, जहां जुर्म की हर बड़ी खबर आपके सामने होगी। तो अगले आधे घंटे तक देखते रहिए आपका अपना शो पुरवैया क्राइम स्पेशल। सुपौल में कथित डॉक्टर के लापता होने के बाद पूरे सूबे में हड़कंप मच जाता है। पुलिस भी हरकत में आ जाती है और फिर डॉक्टर साहब की बरामदगी के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया जाता है। पुलिस की पहली चुनौती डॉक्टर साहब को बरामद करने की है। अपराधियों के बेलगाम होने का जिक्र बार बार करना अब बेमानी लगने लगा है। उनके बढ़े हौसलों की बात करने पर भी लगता है कि एक ही बात बार बार कही जा रही है। इन सब के बावजूद हालात संभलने की बजाय और बिगड़ते चले जा रहे हैं। साफ है कि अपराधियों के बढ़ते हौसलों के आगे बिहार की पुलिस पस्त हो चुकी है और उधर अपराधी मस्त है। वो लगातार एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं और पुलिस अपनी उसी सुस्त चाल से अपराधियों का पीछा करती है। नतीजा सामने आता है, जहां आम लोग पिसते जाते हैं, अपराधियों का शिकार होते हैं और पुलिस हर बार की तरह मामले की जांच करने में जुट जाती है। सुपौल से भी ऐसी ही वारदात सामने आई है। शहर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मंजय कुमार सुपौल में अपना क्लिनिक चलाते थे। बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में ही डॉक्टर मंजय ने शहर में अपना क्लिनिक खोला था। सोमवार के दिन भी वो अपने घर से क्लिनिक पहुंचे थे, लेकिन तब भी किसी को पता नहीं था कि डॉक्टर मंजय अचानक लापता हो जाएंगे। सुबह का वक्त था, करीब 10:30 बजे डॉक्टर मंजय अपने निजी क्लिनिक पहुंचे थे। क्लिनिक में मरीजों को देखने के बाद शहर के नया नगर मोहल्ले में कंपाउंडर के साथ जाते हैं और फिर इसके बाद डॉक्टर मंजय का कहीं अता पता नहीं चलता। लापता होने के बाद से उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बताने लगा। इस घटना के बाद डॉक्टर मंजय के परिजन काफी परेशान हो गए। उनकी खोजबीन की जाती है लेकिन कहीं भी डॉक्टर मंजय का पता नहीं चल पाता। इसके बाद परिजनों ने थाने को इस बारे में जानकारी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के एसपी ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया। जो यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट बताए जाते हैं, MBBS DCH है। बताया गया है कि ये मुजफ्फरपुर मोतिहारी के बीच कहीं के रहने वाले हैं, बालाकोठी के। एक बार वो इनका कंपाउंडर जो है वो क्लिनिक से इनको ले जा करके घर पर छोड़ दिया। एक रूम का कमरा है, एक रूम है इनके घर में। और उसके बाद फिर दोबारा गया तो ताला मिला, ताला बंद था, डॉक्टर साहब नहीं थे। उसके बाद इन लोगों ने काफ़ी देर तक अपने स्तर से पता किया, जब नहीं कुछ पता चला तो इन लोगों ने पुलिस को कवर किया। हम लोगों ने टास्क फोर्स बना दिया है, इनके बरामदगी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर मंजय मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और सुपौल में वो किराए के मकान में अकेले रहते थे। पुलिस ने उनकी तलाश में अपनी जांच तेज कर दी है, लेकिन सवाल है कि डॉक्टर मंजय के अपहरण के पीछे किसका हाथ हो सकता है। इस अपहरण कांड के पीछे के मकसद का भी फिलहाल पता नहीं चल सका है और ना ही अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन कॉल आया है। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। ये तो आपने देखा कि मंजय लापता हो जाते हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुट जाती है, लेकिन लापता बताए जा रहे कथित डॉक्टर मंजय के बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली है। आप भी देखिए क्या है ये जानकारियां। सुपौल से एक डॉक्टर के लापता होने की खबर आते ही सनसनी फैल जाती है, लेकिन जो डॉक्टर साहब लापता बताए जा रहे हैं उनके बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है।
डॉक्टर मंजे मुजफ्फरपुर के रहने वाले बताए जाते हैं। उनका ससुराल बिहार के सीतामढ़ी जिले में पड़ता है। सुपौल आने के पहले डॉक्टर मंजे सीतामढ़ी में ही निजी प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन फिर इसके बाद ये सुपौल चले आते हैं और फिर सितंबर महीने में सुपौल में अपना निजी क्लिनिक खोलते हैं। इसके बाद क्लिनिक में मरीजों को देखने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन मामला इतना भर ही नहीं है। डॉक्टर मंजे के खिलाफ सीतामढ़ी में जांच चल रही है। आरोप है कि डॉक्टर मंजे के पास जो डिग्री है वो सही नहीं है। हालांकि अभी तक इस बारे में की जा रही जांच पूरी नहीं हुई है। सूचना मिली कि एक डॉक्टर मंजे कुमार नाम का चिकित्सक सुपौल से लापता है। इसके संबंध में एक आदमी सूचना दिया अभिनव कुमार व्यक्ति ने, जिसके आधार पर छानबीन जारी है। पता चला है कि वहाँ किसी फोर्स का एप्लीकेशन बलपूर्वक तो नहीं है, ये ताला अभी लगा के गायब है। तो क्यों गायब है इसके बारे में विस्तार से छानबीन चल रही है। अपहरण की कोई अभी हम लोगों को पुष्टि नहीं हुई है। ये जांच पूरी होती कि इससे पहले ही डॉक्टर मंजे सीतामढ़ी से सुपौल पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ अपनी नई क्लिनिक खोल लेते हैं और प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। डॉक्टर मंजे ने सुपौल के एक कमरे का घर किराए पर लिया था और वो अकेले ही यहाँ रहते थे। घर का ताला बंद होता है और डॉक्टर साहब लापता हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये वाकई में अपहरण का मामला है या फिर इस मामले में कोई और साजिश है जिसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। पुलिस इस मामले में हर पहलू से जाँच कर रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके पहले सीतामढ़ी में प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पर इनके क्लिनिक पर छापामारी हुई थी 22/4/15। वहाँ पर उस समय वहाँ फरार थे। इनके बारे में इस तरह की सूचना जिला प्रशासन को थी कि इनका सर्टिफिकेट गड़बड़ है। उसी के सिलसिले में रेड हुआ था, उस समय ही फरार थे। उस रेड में सिविल सर्जन, ड्रग इंस्पेक्टर, DIO इत्यादि जो टीम में होते हैं, जांच पदाधिकारी लोग, सभी लोग गए थे और उन लोगों को एक नहीं रहने की स्थिति में इनको एक नोटिस दिया है लोग जांच के लिए सर्टिफिकेट का। वो अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुआ है सीतामढ़ी में। जिस तरीके से डॉक्टर मंजे लापता हुए हैं वो कई सवाल खड़े करता है, लेकिन सवाल है कि क्या सचमुच ये अपहरण का मामला है या फिर कोई और हकीकत इसके पीछे छुपी हुई है। जब तक डॉक्टर मंजे का पता नहीं लग जाता कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसे में डॉक्टर मंजे के पता चलने का इंतजार ही किया जा सकता है। देखना है कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले का खुलासा करती है। सीतामढ़ी से त्रिपुरारी शरण के साथ मोहन प्रकाश, सुपौल, जी मीडिया। जिस मंजे के लापता होने पर बवाल मचा हुआ है, उनके डॉक्टर की डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्हें पहले भी धमकी दी गई थी। आखिर क्या यह पूरा मामला, आप भी देखिए। डॉक्टर मंजे, जिनकी डिग्री को लेकर सीतामढ़ी में जांच चल रही है, उन्होंने कई सालों तक सीतामढ़ी में अपना निजी क्लिनिक चलाया। हालांकि ये क्लिनिक विवादों में रहा। सीतामढ़ी के सिविल सर्जन का कहना है कि डॉक्टर मंजे की क्लिनिक पर कई बार हंगामा भी हुआ था और फिर इसी दौरान डॉक्टर मंजे की डिग्री फर्जी होने का आरोप भी लगता है। इस आरोप के बाद 5 सदस्यों की जांच टीम बनाई जाती है और 22 अप्रैल 2015 को क्लिनिक पर छापेमारी की जाती है, लेकिन तब मंजे अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए थे और फिर इसके कुछ दिन बाद वो अपना क्लिनिक बंद कर फरार हो जाते हैं। मंजे कुमार का फाइल डॉक्टर पूर्व के पास है जांच के लिए। जांच के बाद ही पता लगेगा क्या कहां क्या हुआ है नहीं हुआ है। लापता मंजे की पत्नी नीति का कहना है कि सीतामढ़ी के विनोद सिंह ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी थी। इस बारे में सीतामढ़ी थाने में बकायदा मामला भी दर्ज कराया गया था। इतना ही नहीं, करीब साल भर पहले किसी ने फोन कर 15 लाख की फिरौती मांगी थी। मामले में एक नया मोड़ तब आता है जब पत्नी नीति ने एक नई बात का खुलासा किया। पत्नी नीति के मुताबिक मंजे मेक फॉर सार्गेनिक लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़ गए थे और उन्होंने विनोद सिंह की कंपनी की दवाई को लिखना बंद कर दिया था। इसी बात से विनोद सिंह नाराज बताए जा रहे थे। हमको देखकर
से ही लग रहा है अपहरण। किसी पर शक भी है? हाँ, वहाँ के लोग पर, सीतामढ़ी के लोग पर हमको सब। किस बात को लेकर? कुछ कंपनी वंपनी के चर्चा था, इसी वजह। किस तरह का कंपनी था वो? कंपनी खोले थे। क्या नाम था कंपनी का? मैप फॉर्स ऑर्गनी लिमिटेड। उसमें किस तरह का क्लेम था? जो जैसे होता है ना कि कंपनी खोलने वाला बोला कि हाँ कंपनी नहीं खोलेंगे, मेरा कंपनी का दवा लिख दिया, इसीलिए अपना खोले, उसी समय से बेस होने लगे विनोद सिंह के द्वारा। ये क्या कह रहे थे विनोद सिंह? क्या कह रहे थे? बोले कि मतलब कि तुम ऐसा ऐसा करते हो, तुमको हम घर में घुस के गोली मार देंगे, तो FIR हम लोग थाना में किए थे। मंजय कई सारे विवादों से जुड़े थे, उनकी डिग्री से लेकर धमकी दिए जाने तक के मामले की जांच चल रही थी। ऐसे में अचानक लापता हो जाना कई संकेत देता है। देखना है कि पुलिस उन संकेतों को समझने में कितना कामयाब हो पाती है। सीतामढ़ी से त्रिपुरारी शरण के साथ मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि सुपौल से लापता डॉक्टर मंजय सिवान के बबुनिया रोड पर मिल गए हैं। बेहोशी की हालत में डॉक्टर मंजय को बरामद कर लिया गया है। तो बबुनिया रोड से डॉक्टर मंजय की बरामदगी हो चुकी है, और डॉक्टर मंजय जिनके लापता होने के बाद से एक बवाल खड़ा हो गया था, सनसनी फैल गई थी और पुलिस महकमा उनकी तलाशी में जुटा था, उन्हें बरामद करने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस को सफलता मिलती है। सुपौल से लापता डॉक्टर सिवान के बबुनिया रोड पर बेहोशी की हालत में पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि सिवान के बबुनिया रोड पर डॉक्टर मंजय बेहोशी की हालत में पाए जाते हैं और उनकी बरामदगी कर ली जाती है। जिस अपहरण को लेकर लापता होने के बाद से विवाद चल रहा था और पुलिस परेशान थी, जांच के लिए उनकी बरामदगी के लिए पुलिस ने टास्क फोर्स का गठन किया था, और इसके बाद पुलिस की कोशिश रंग लाती है और सुपौल से लापता डॉक्टर सिवान के बबुनिया रोड पर बेहोशी की हालत में पाए जाते हैं और पुलिस उन्हें बरामद कर लेती है। तो आपको बता दें, एक बड़ी खबर बता दें कि लापता डॉक्टर मंजय को पुलिस ने बरामद कर लिया है। सिवान के बबुनिया रोड से डॉक्टर मंजय को बेहोशी की हालत में बरामद कर लिया गया है। सुपौल से लापता डॉक्टर मंजय को लेकर पुलिस जांच कर रही थी और पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी, और इसी बीच खबर आ रही है कि डॉक्टर मंजय को सिवान के बबुनिया से बेहोशी की हालत में बरामद कर लिया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर सिवान से जुड़ चुके हैं। आकाश, बताएं, बेहोशी की डॉक्टर हालत में डॉक्टर साहब को बरामद किया गया है, क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रशांत, ये जो बरामदगी हुई है सिवान के बबुनिया मोड़, जिस सिवानगर थाना के बीचों बीच स्थित है बबुनिया मोड़, वहां से उनको बरामदगी हुई है। बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे और जमीन से पड़े हुए थे। इसी क्रम में कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद जब उनकी पहचान की गई तो वो मंजय कुमार, डॉक्टर मंजय कुमार निकले जो सुपौल से लापता थे, और उन्हें बरामदगी कर ली गई है। सिवान एसपी से मैंने इस मामले में बात भी किया है तो सिवान एसपी ने साफ तौर पर कहा कि वही डॉक्टर मंजय, उन्होंने भी पुष्टि कर दी कि डॉक्टर मंजय ही है, और पुलिस को सूचना दे दी गई सुपौल पुलिस को, और सुपौल पुलिस आएगा तो उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस से मैंने ये भी बात किया कि किस तरह का अपहरण या किसी लोगों की पहले की बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, आगे पीछे कोई नहीं था, उन्होंने अपने स्तर से जांच भी किया है, वो बेहोशी हालत में थे और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी है सुपौल पुलिस को। आकाश, ये बताएं, सिवान के बबुनिया रोड से बरामदगी की गई है, जिस जगह से डॉक्टर को बरामद किया गया है उस इलाके के बारे में बताएं, वो इलाका रिहायशी इलाका है या वहां लोग रहते हैं, आबादी है या बिल्कुल सुनसान इलाके से इनको बरामद किया गया है, आप उस इलाके के बारे में भी जानकारी दें। जी बिल्कुल, ये जो इलाका है बिल्कुल पॉश इलाका है, बिल्कुल भीड़भाड़ वाला इलाका है, या यूं कहे कि सिवान का एक मुख्य चौक है, बबुनिया मोड़ या बबुनिया चौक कहा जाता है, बबुनिया रोड भी कहते हैं। सिवान में घुसने के लिए उस चौक से होकर गुजरना पड़ता है, सिवान और सिवान रेलवे जंक्शन को वो जोड़ता है, सिवान शहर को भी जोड़ता है, तो बिल्कुल पॉश इलाका है, चारों तरफ से दुकानें हैं, बिल्कुल घना इलाका है और चारों तरफ से आवास भी है, दुकानें भी है, तो ये बिल्कुल पॉश, और नगर थाना से लगभग 500 गज की दूरी पर ही स्थित है ये बबुनिया मोड़। आकाश, ये भी बताएं कि बेहोशी की हालत में डॉक्टर मंजय को बरामद कर लिया गया है, उनकी तबीयत कैसी है, क्या उन्हें होश आया है, क्या वो कुछ बातचीत कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं अपने बारे में?
नहीं, अभी तक उनका होश, उनको होश नहीं आया है। और सिवान एसपी का जो बताना है, उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में दिखाया गया कि अच्छे डॉक्टरों से अच्छा इलाज किया, उसके बाद में जैसे ही उनकी वो सही हो जाते हैं उनको सिवान सदर अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और फिलहाल पुलिस देख रेख कर रही है, सुपर पुलिस को भी सूचना दे दी गई है, और सुपर पुलिस जैसे ही आती है और जब उनका तबियत ठीक हो जाता है तो उन्हें सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी आकाश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। दफ्तर में ताला लटका हुआ है, अधिकारी डर से दफ्तर नहीं जाते, उन्हें अपनी जान का डर है। आखिर डर के साए में क्यों जी रहे हैं बिजली विभाग के अधिकारी सुनील कुमार? आखिर क्या यह पूरा मामला जो गढ़वा से सामने आया है, आप भी देखिए। लगता है कि रघुराज में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, और उधर पुलिस कार्रवाई करने का दंभ तो भरती है, लेकिन उस कार्रवाई की हकीकत क्या होती है ये हम आपको आज दिखाएंगे। गढ़वा जिले में एक दफ्तर ऐसा है जहां अब ताला लटका है। अधिकारी अपना दफ्तर छोड़कर रांची में पनाह लिए हुए हैं, और साहब अपने जान की दुहाई दे रहे हैं। बिजली विभाग के एक अधिकारी सुनील कुमार अपराधियों के निशाने पर। सुनील कुमार बिजली विभाग में अधीक्षण अभियंता है। करीब 2 महीने पहले सुनील कुमार के मोबाइल पर एक धमकी भरा कॉल आता है। सुनील से रंगदारी के तौर पर 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। पैसे नहीं देने की एवज में सुनील को जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस धमकी के बाद सुनील के मन में ऐसा डर समाता है कि वो ऑफिस जाने से भी कतराने लगते हैं, और फिर ऑफिस में ताला लटक जाता है। जानकारी है कि उनको फोन से धमकी किया गया था मोबाइल नंबर से, 5 लाख रुपया रंगदारी के रूप में मांगा गया था, नहीं देने पे जान से मारने का धमकी। इस वजह से जो वो 20-22 तारीख के बाद से यहाँ से गढ़वा से गए हुए हैं रांची, अभी तक यहाँ ऐसे साहब डर के मारे। हाँ, डर से, डर होना तो स्वाभाविक ही है कि वो ड्यूटी भी करे और अपना जान भी तो कोई देना नहीं चाहेगा। और ऐसी साहब भी अभी हाल फिलहाल आए हुए थे, नए थे, उनको यहाँ का तो माहौल के बारे में भी जानकारी नहीं था। नहीं, वैसा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम होता है, जैसे रांची का कुछ हुआ MD, CMD या GM वगैरह का, तो वो काम हो जाता है, लेकिन बाकी काम तो पेंडिंग ही चल रहा है। दिक्कत हो रही है उससे? हाँ, दिक्कत तो काफ़ी दिक्कत है, बहुत सारे दिक्कत है, क्योंकि ये कि सुपीरियर पदाधिकारी के नहीं रहने से तो जाहिर है कि नीचे से भी सब काम पेंडिंग हो जा रहा है उनके बगैर। रंगदारी की मांग और जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद सुनील ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। गढ़वा सदर थाने में इस बारे में बाकायदा लिखित शिकायत दर्ज कराई जाती है, और फिर इसके बाद पुलिस हरकत में आती है। गढ़वा के अधीक्षण अभियंता के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा आरोप था कि किसी के द्वारा मोबाइल पर धमकी देकर उनको 5 लाख की रंगदारी मांग ली गई। इस संबंध में हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके कर ली, और छानबीन पे दो उस लड़का को गिरफ्तार कर जेल भेजा भी गया। एक लड़का की और संदिग्ध उसमें स्थिति है, जिसको हम लोग गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापामारी कर रहे हैं। पुलिस धमकी देने वालों की तलाश में जुट जाती है, लेकिन इधर सुनील गढ़वा छोड़कर रांची चले जाते हैं। पिछले 2 महीने से सुनील रांची में ही रह रहे हैं। जिले के SP का कहना है कि धमकी दिए जाने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इसके सरगना की तलाश की जा रही है। लेकिन धमकी के डर से ऑफिस नहीं आने के लिए SP साहब ने सुनील पर ही आरोप लगाया और इसे उनका निजी मामला बताया। ये मामला अक्टूबर महीने का है, दशहरे के आसपास का समय था, और फोन पर उनसे रंगदारी मांगा गया, और उसके बाद उनके लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी गढ़वा थाने में दर्ज हुआ, और अनुसंधान के क्रम में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है नवंबर माह में, और 1-2 अभियुक्त और हैं जो कि जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, और पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है, और हम लोग बहुत जल्द जो है जो बाकी जो 2 लोग बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, वो इतना डरे हुए कि ऑफिस तक भी दो महीना नहीं आ रहे, चले गए रांची कहीं दूसरा जगह ऑफिस चला रहे हैं अपना। वो उनका अपना इंडिविजुअल मामला है, उनको कब आना है क्या नहीं आना है। हमारा मामला ये है कि हमारे पास लिखित आवेदन दिया गया, हम लोगों ने छानबीन किया, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज किया, प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अनुसंधान के क्रम में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी है, केस का उद्भेदन हुआ है। मामले का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार है। पुलिस का दावा है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन डर से फरार सुनील को
इस बात पर यकीन कब आएगा ये कहना मुश्किल है। चंदन का शव, जिमिडिया, गढ़वा। गुनाह की हर वो बड़ी खबर अब आपके सामने होगी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है, और इसीलिए हमने शुरू किया है गुनाह एक नजर में। खबर जामताड़ा से है, जहां एक महिला को डायन बताकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। कुछ गांव वाले महिला को जिंदा दफनाना चाहते थे और इसके लिए वो बाकायदा प्लानिंग भी कर रहे थे, लेकिन जानकारी मिलने पर वहां पुलिस पहुंच जाती है और फिर महिला को गांव वालों के चंगुल से बचा लिया जाता है। ये चौंका देने वाला मामला जिले के पिपला गांव का है। सासाराम के धनकाड़ा गांव में जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और गोलीबारी हुई। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है। सभी घायलों को सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। धनबाद में दहेज के लिए महिला की हत्या का मामला सामने आया है। घटना बरोरा थाना इलाके के मुराईडीह बस्ती की है। हत्या की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है। मृतका के परिजनों ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पति ने हत्या के आरोप से इनकार करते हुए इसे आत्महत्या करार दिया है। वैशाली के ओरिएंटल बैंक को 48 घंटों में उड़ाने की धमकी दी जाती है। ये धमकी नक्सलियों की तरफ से दी गई है। बताया जा रहा है कि बैंक के एटीएम रूम में एक पर्चे के माध्यम से ये धमकी दी गई। धमकी को देखते हुए बैंक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।